मैं डॉक्टर माहीन फातिमा हूँ, किंगस्टन हॉस्पिटल में एक जनरल फिजिशियन और क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट हूँ। आज हम लोग डायबिटीज के बारे में बात करने हैं। डायबिटीज आम वर्ड्स में शुगर की बीमारी बोलते हैं, जो आजकल एक मेजर हेल्थ कंडीशन बनी हुई है जो लाखों को इफेक्ट कर रही है। डायबिटीज असल में क्या है? डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो इंसुलिन की डेफिशिएंसी के वजह से होती है। दो टाइप की डायबिटीज होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में अपने बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता। टाइप 2 डायबिटीज में जो बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है उसको ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाती, इसकी वजह से बॉडी में शुगर बढ़ जाती है। ये शुगर बढ़ जाना एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसके कई सारे सिम्टम्स है, बाद सिम्टम्स माइल्ड है और बाद सिम्टम्स सीरियस होते हैं। डायबिटीज का सही ट्रीटमेंट के लिए इवन माइल्ड सिम्टम्स भी उसको सीरियसली लेके चलना अपने लिए जरूरी है। क्या सिम्टम्स है? इट कैन बी एज सिंपल एज गला सूखना, ज्यादा प्यास लगना, वॉशरूम ज्यादा जाना, यूरिन फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाती, चक्कर आती, सांस फूलती, ये सारे कॉमन सिम्टम्स है डायबिटीज़ के, शुगर्स बढ़ जाने के बॉडी में। तो ये अपन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? आप ये छोटी छोटी जो सिम्टम्स आती जैसे प्यास ज़्यादा लगना, वज़न कम होना बिना वजह के, वज़न कम होना, बार बार वॉशरूम को जाना रात में, ये अगर आपको ऐसी सिम्टम्स होते हैं आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाके चेक करवाइए, आपके ब्लड शुगर लेवल्स चेक कराइए। आमतौर पे आप ये सिम्टम्स पे अगर आपके फिजिशियन के पास जाते हैं वो आपको थोड़े टेस्ट बोलते हैं डायबिटीज़ कन्फर्म करने के लिए। एक फास्टिंग ब्लड शुगर करवाते हैं आपसे, एक पोस्ट लंच शुगर करवाते हैं, नहार पेट आपका एक ब्लड टेस्ट लेते, उसमें शुगर कितनी है चेक करते, फिर आप खाने के बाद 2 घंटे के बाद एक ब्लड टेस्ट लेते, उसमें आपकी शुगर चेक करते, और HbA1c करके एक टेस्ट रहते। ये 3 टेस्ट करवा के आपसे आपको डॉक्टर बोलते कि आपको डायबिटीज है या नहीं है। टाइप 1 वालों के लिए, जिसकी बॉडी खुद इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती, उनका ट्रीटमेंट इंसुलिन है। बाहर से आपको इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता है। आपके डॉक्टर आपको आपकी टेस्ट के हिसाब से आपके शुगर लेवल मॉनिटर करके आपको बोलते कि आपको कौन से टाइप के इंसुलिन लेना पड़ता, क्या फ्रीक्वेंसी पे लेना पड़ता और क्या डोज लेना पड़ता। हर एक इंडिविजुअल का डायबिटीज का ट्रीटमेंट अलग है। एक शख्स टैबलेट पे मैनेज हो रहा, दूसरे पर्सन को सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ सकती, तीसरे इंसान को टैबलेट्स और इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती। तो हर इंसान का अलग अलग ट्रीटमेंट होता डायबिटीज का। इट इज अ पर्सनलाइज्ड प्लान, द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इज पर्सनलाइज्ड टू द पर्सन। डायबिटीज का सबसे कॉमन फॉर ऑल काइंड ऑफ डायबिटीज इज यू अवॉइड शुगर। शुगर इनटेक आपका बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। फैटी फूड्स, हाई जैसे ऑयली फूड्स वगैरह बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ज्यादा योर डाइट शुड कंटेन ऑफ वेजिटेबल्स, चिकन, फिश, रेड मीट्स अवॉइड करना चाहिए। इससे आपकी बॉडी में शुगर्स कम प्रोड्यूस होते हैं। आपका डाइट कंट्रोल से आपका शुगर मैनेज कर सकते हैं। डायबिटीज जो पुअरली मैनेज्ड होती, जिसके आप शुगर्स ख्याल नहीं रखते, हमारे पास कई सारे पेशेंट्स आते जिसके शुगर्स 300 रहते, 350 रहते, हम उनसे पूछते इतने ज़्यादा शुगर से, वो बोलते हमारे लिए नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है। हम लोग ये माइंडसेट से हट जाना चाहिए कि अगर हमारे रोज दौरान के शुगर्स 300, 200, 250 है, ये नॉर्मल है, ऐसा नहीं है। आपके शुगर्स 180 से ज़्यादा, दीज आर हाई शुगर्स, आप इसको सही मैनेज करना ज़रूरी है। शुगर्स अगर आप सही मैनेज नहीं करें तो दीज कैन लीड टू मैनी कॉम्प्लिकेशन, किडनी डिजीजेस, हार्ट डिजीजेस, आई प्रॉब्लम्स, ये सारे चीज़ें बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की। देर आर मैनी जर्नल्स दैट से कि आप फ्रूट्स खा सकते हैं इन मिनिमल क्वान्टिटीज, यू कैन ईट फ्रूट्स। कई सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि एनी फूड्स विद एडेड शुगर्स, जैसे जो कार्टन में जूस पैकेट, जूसेस वगैरह मिलते हैं जिसके अंदर शुगर एडेड रहता, यू शुड अवॉइड एनी फूड दैट कंटेन्स एडेड शुगर्स। जो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग रहती है, आर्टिफिशियल जूसेस जो रहते वो अवॉइड करना चाहिए। यू कैन हैव फ्रूट्स इन मॉडरेशन, आप फ्रूट्स खा सकते, बिल्कुल ज़्यादा नहीं खा सकते, बट यू कैन हैव इन मॉडरेशन बिल्कुल फ्रूट्स खा सकते हैं। डायबिटीज़ एक डेथ सेंटेंस नहीं है कि आपको डायबिटीज़ आ गई, आप डिप्रेशन में चले गए कि आपका क्या होता। डायबिटीज़ इज़ अ मैनेजेबल डिसऑर्डर। आप इसको अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके, आपके डाइट मॉडिफिकेशन करके, आप एक नॉर्मल तरीन ज़िंदगी की गुजार सकते हैं। All you have to do is be in touch with your doctors. आप अपने physician के साथ regular checkup में रहिए, आप अपने blood test करवाते रहिए, आप अपने sugars maintain करते रहिए, medications लेते रहिए regularly। ऐसे नहीं कि आप 1-2-3 महीने लिए आपको sugars normal होते, आप खुद ब खुद
मेडिकेशंस रोक दिए कि शुगर्स नॉर्मल हो गए। ज्यादातर लोग समझते हैं कि मेडिकेशंस लेने के बाद शुगर्स नॉर्मल हो गए तो उनको ठीक हो गए। आपके शुगर्स इसीलिए नॉर्मल आ रहे हैं क्योंकि आप मेडिकेशंस ले रहे हैं। ये मेडिकेशंस आप अब्रप्टली रोकने की वजह से फिर और ज्यादा आपके शुगर्स बढ़ सकते हैं। सो प्रॉपर मेडिकेशंस, डाइट कंट्रोल एंड रेगुलर एक्सरसाइज। रोज आप एक एटलीस्ट 30 मिनट्स की रेगुलर वॉकिंग या एक्सरसाइज के लिए अपना टाइम मुकर्रर कर लीजिए। दैट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग डायबिटीज एंड हेल्प्स यू मेंटेन अ गुड lifestyle.